Always feel so lonely when the day is through. I'm in the spotlight, 9 to midnight. I want somebody to hold my hand. Cause I got my head in. Hey everyone, hello and namaste friends, welcome back. I hope आप सब बहुत ही अच्छे होंगे. वैसे तो अगर होम मेकर्स के दिन भर के काम का कोई एस्टिमेट लगाना भी चाहे तो वो नहीं लगा पाएगा, क्योंकि कभी हमारे काम काफ़ी ज़्यादा होते हैं और कभी हमारे काम काफ़ी कम होते हैं. तो क्यों ना हम लोग अपने कामों को एक बैलेंस तरीके से अप्रोच करें, ताकि हम लोग बाकी सारे काम कंप्लीट करने के बाद भी अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाएँ. बच्चों का लंच और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए सुबह सुबह आप लोग ना सोचें कि अब मुझे क्या बनाना है, क्या घर पे अवेलेबल है. एक रात पहले ही डिसाइड करके रखें. जैसे मुझे आज सैंडविच बनाने थे तो मैंने ब्रेड एडवांस में मंगा के रखी और अब सुबह जो प्रिपरेशन थी वो एकदम क्विक हो जाएगी. मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच सूजी के लिए, उसके अंदर 2 बड़े चम्मच दही के ऐड करें और फ्रेश मलाई निकाली मैंने दूध की. इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे. सैंडविच हमारे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, पर थोड़ी देर हमें उसे रेस्ट कराना पड़ेगा. तो 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा. इस टाइम पे आप लोग ब्रेड वगैरह निकाल लीजिए. वो जो हमारी प्रिपरेशन रहती है उसमें हमारे 10 मिनट इजीली हमारे चले ही जाते हैं. बच्चों का दूध गर्म करना है, अपने लिए मॉर्निंग ड्रिंक बनानी है, इतनी देर में आपका वो जो बैटर है वो रेडी हो जाएगा. फिर उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं, बस थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और जीरा पाउडर, इसको मिक्स करा. एंड बच्चों को अगर आप लोगों को वेजिटेबल्स देनी है तो वो भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, बट आज मुझे ये बिल्कुल सिंपल बनाने थे. उसके बाद मैंने इस बैटर की कोटिंग करी है ब्रेड के एक साइड पर करी है, दूसरी साइड पर हम लोग जब उसे रखते हैं तवे पर उसके बाद करेंगे. तो अच्छे से आप लोग यहाँ पे बटर या घी का यूज़ कर सकते हैं. तवा को ग्रीस कर दीजिएगा एंड जब हल्का सा आपका ब्राउन होने लगता है देन अपोजिट तरफ सेम बटर लगा के आप लोगों को इसे प्रॉपरली सेक लेना है. ये देखिए बच्चों के बड़े ही टेस्टी और 5 से 10 मिनट के अंदर बनने वाले सैंडविच रेडी हो जाएंगे. साथ में आप लोग बच्चों को जो फ्रूट्स वगैरह देते हैं, नट्स देते हैं, वो भी आप लोग रख सकते हैं. तो मेरे बच्चों का जो लंच है वो मैं इसी तरीके से बहुत ही क्विक 5 से 10 मिनट में बनने वाली रेसिपीज़ जो हैं वही देती हूँ. बस थोड़ा सा प्लानिंग रखती हूँ कि मुझे कल क्या बनाना है, उसके अकॉर्डिंग घर में सामान है या नहीं है. और उसके बाद बच्चों को रेडी करना है, उसमें भी हमारा काफ़ी सारा मॉर्निंग का टाइम जो है वो चले जाता है. एक बार जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद आप लोग अपने लिए 20 मिनट 15 मिनट ज़रूर निकालें, जहाँ पे आप लोग तेज़ तेज़ चल के भी वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, अपने गार्डन में टहल सकते हैं. मेरे ख्याल से ये 3-4 चीज़ें भी अगर आप लोग कर रहे हैं तो मॉर्निंग हमारी काफ़ी फ्रेश और आप लोग पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे. तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद 10 से 15 मिनट आराम से मैं यहाँ पे वॉक करती हूँ, नेचर के साथ इंटरेक्ट करती हूँ एंड ये मुझे बहुत पसंद है. आज मुझे अपने बालों के अंदर स्पा भी लेना था, तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद बस 5 मिनट के अंदर मुझे सलोन जैसा स्पा मिल जाएगा. तो इसके लिए मैं हमेशा से यूज़ कर रही हूँ बी ब्लेंड का इंटेंस शाइन हीट हेयर स्पा मास्क. तो बहुत ही हैसल फ्री एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है. सलोन जैसा हेयर स्पा आप लोग 5 मिनट में अपने घर पे ले पाएंगे. सबसे पहले मैंने इंटेंस मॉइस्चर रेंज बी ब्लेंड के शैम्पू एंड कंडीशनर से अपने बालों को वॉश करा. जब मेरे बाल डैम्प थे उसी टाइम पे मैंने इस मास्क को अप्लाई कराया, जो कि मेरे बालों को ग्लॉसी, शाइनी और फ्रीज फ्री बनाएगा. दिस मास्क हैज़ राइस एंड सिल्क प्रोटीन. राइस मेक्स योर हेयर स्मूथ, शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द रूट्स. सिल्क प्रोटीन एड्स इलास्टिसिटी टू योर हेयर्स एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स ब्रेकेज. तो ये काफ़ी हेल्प करता है आपके बालों के अंदर मॉइस्चर को मेंटेन करने में. इट ऑल्सो हैज़ शाइन टॉनिक, जो कि आपके बालों को एक ग्लॉसी, शाइनी लुक देगा. बी ब्लेंड इज अ प्रीमियम हेयर केयर एंड स्टाइलिंग ब्रांड विच इज सिनोनिमस विद कटिंग एज हेयर स्टाइलिंग एंड हेयर केयर. एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, बी ब्लेंड विल लिंक योर ऑर्डर टू अ वेमेन दे एम्पावर विद संभव फाउंडेशन. दे आर ऑन अ मिशन टू एम्पावर 10,000 वेमेन अक्रॉस द नेशन. आप लोग इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड मिस्टेक 2024 यूज़ कर सकते हैं टू गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ ऑन बी ब्लेंड ऑफिशियल वेबसाइट
एंड आई एम सुपर हैप्पी विद दिस, क्योंकि 5 मिनट के अंदर बिल्कुल सैलून जैसा हेयर स्पा मेरे बालों को मिल गया है। घर को मैनेज करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल फोकस रहे कि आपको अभी क्या करना है। बहुत सारे काम अगर आप लोग एक साथ पिक करते हैं तो कोई भी एक काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा और फिर हमारा पूरा घर फैल जाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर वार्डरोब क्लीन कर रहे हैं और एक सेक्शन को क्लीन करना था पर पूरी वार्डरोब आप लोगों ने छेड़ दी है क्लीनिंग के लिए, तो बहुत टाइम चले जाएगा और वार्डरोब भी हमारी अच्छे से क्लीन अप नहीं हो पाती है। तो मुझे अगर अपना बेडरूम सेट करना है तो मैं सिर्फ अपनी वॉच के अंदर या फ़ोन के अंदर आप लोग 5 मिनट का टाइमर लगाइए ताकि आप लोग एक्स्ट्रा ना वहाँ पे क्लीनिंग करें ना ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालें। अगर डेली अगर आप लोग कुछ भी काम अपने बेडरूम में छेड़ रहे हैं क्लीनिंग का, तो 5-5 मिनट के स्लॉट भी अगर आप लोग लगाएंगे ना, तो आप लोग देखेंगे कि आज मैंने ऊपर वाली शेल्फ है उसको क्लीन कर दिया, आज मैंने अपने साइड वाले कैबिनेट को कर दिया, आज मैंने अपने कैबिनेट्स के अंदर वाले सेक्शन को पिक करा। तो डेली 5 मिनट्स देने से ही आपके बेडरूम का हर एक कोने को आप लोग देख पाते हैं और उसे क्लीन रख पाते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट देती हूँ जिसके अंदर बेड को मुझे अच्छे से क्लीन करके वापस लगाना होता है और हल्की फुल्की सी डस्टिंग रहती है जो कि जहाँ पे बच्चों के और हमारे ज़्यादातर चीज़ें यूज़ में आती हैं, जैसे ग्लास रखा है, वॉच रखी है, टॉयज़ रखे हैं, तो वो सारी चीज़ें पिक करके उनकी जगह पे रख के आना एंड देन उन सर्फेसिस को बस क्लीन करना। मैं यहाँ पे कुछ भी डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ अगर आज डीप क्लीनिंग का डे नहीं है। सिंपल अगर रूटीन है मेरा तो मैं सिर्फ 5 मिनट एक रूम को देती हूँ। तो इस तरीके से अगर हम 5 मिनट किसी भी एक रूम को देते हैं, किसी एक जगह को देते हैं, तो उसमें भी हम लोग अपने दिन को काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं, बिकॉज़ हमारा काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है जहाँ पे हम लोग कोई बड़ा पोर्शन अपने घर का पिक कर सकते हैं, चाहे वो आपकी ग्रोसरी हो, पेंट्री हो, बच्चों की वार्डरोब है, बुक सेक्शन है, शू रैक है। तो इस तरीके से हम लोग बाकी जगह अपना काफी सारा टाइम इन्वेस्ट कर पाएंगे। आई ऑलवेज ट्राई टू कीप थिंग्स वेयर दे बिलोंग। जहाँ पे अगर वॉच मुझे रखनी है, अगर मेरे पास पहले ऑर्गेनाइज़र नहीं था तो मैं भी वॉच को एक, मैंने डब्बा था जिसको बनाया हुआ था एज अ DIY वॉच ऑर्गेनाइज़र, उसमें रखती थी। अब मेरे पास ये DIY नहीं है, मेरे पास अब ये वॉच केस है पूरा जिसके अंदर अच्छे से हमारे जितने भी वॉच हैं वो सब आ जाती हैं, तो मैं उसके अंदर प्रॉपरली उन्हें सेट कर देती हूँ सो डैट मेरे लिए भी इजी हो, मेरे हस्बैंड के लिए भी कन्वीनियंट हो, जो हमें वॉच पहननी है वो हम यहाँ से ईजीली ले सकते हैं। और हर चीज़ को मैं उसकी जगह पर रख के आना पसंद करती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे वो चीज़ उसी जगह पर मिले। और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बोलती हूँ कि आप लोग भी जहाँ से जो चीज़ पिक करते हैं वहीं पे प्लीज़ रखेंगे तो सबके लिए आसानी होगी, किसी एक का काम ज़्यादा नहीं बढ़ेगा अगर हर कोई अपना थोड़ा थोड़ा जो काम है वो खुद भी करेगा। तो आप लोगों से बातें करते हुए और मेरे यहाँ 5 मिनट ख़त्म होते हैं, बेडरूम भी मुझे जितना क्लीन करना था आज मैंने उतना क्लीन कर दिया। बच्चों के टॉयज़ हैं क्योंकि बच्चे अभी मेरे इस एज में हैं कि उन्हें टॉयज़ के साथ खेलना पसंद है, घर भी बिखेरते हैं, जगह जगह उनका सामान भी मिलेगा, डाइनिंग रूम है, ड्राइंग रूम है, तो मुझे इस चीज़ को टैकल करने में बस एक या दो बास्केट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है ताकि मैं एक बार में वो सारा सामान समेट पाऊँ और जल्दी से उस रूम को क्लीन कर सकूँ। एक बास्केट जो थी मेरे पास उसको मैंने, दो मेरी छोटी सी गलतियाँ थी कि मैं उसे क्लीन डेली जब करती थी तो मैंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि नीचे अगर मैं इसके कुछ लगा देती हूँ, कोई कवर, कोई न्यूज़पेपर, तो मुझे इसकी क्लीनिंग ज़्यादा बार नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने अभी इस बास्केट के लिए, मेरे पास एक पुराना पॉलीथीन था जो कि हम कभी बेडशीट वगैरह लेते हैं उसके साथ आ जाता है, तो ऐसे मैंने बहुत सारे अपने पास प्लास्टिक के रैपिंग रख रखी हैं जो इस तरीके से आपके घर में भी काम आ सकती हैं। मैंने बस उसको नीचे यहाँ प्लेस कर दिया। अब अगर बच्चा मिट्टी में भी किसी टॉय से गलती से खेल कर आया है और उसने उसको इसमें रख दिया तो पूरी बास्केट आप लोगों की ख़राब नहीं होगी। तो ये चीज़ें आप लोग अपने घर पे कर सकते हैं और जब ये क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन आप करते हैं उस टाइम पे कोई टॉय टूटा हुआ है, किसी का आप लोगों को लग रहा है कि अब इससे आपका बच्चा नहीं खेलता है,
उसी टाइम पे आप उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। इससे हमारा काफ़ी टाइम सेव होता है। जब हम लोग किसी दिन दिवाली की सफाई करने बैठते हैं तो हमें ऐसे सामानों को अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। जब आपके फैमिली मेंबर्स घर से चले जाते हैं ऑफिस और स्कूल के लिए, उसके बाद हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप लोगों को अगर आज वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश करने हैं, आपका लॉन्ड्री रूटीन है आज का, तो वो भी आप लोग उसी टाइम पे सुबह स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जब तक आपका पूरा घर क्लीन होगा आप लोगों को कपड़े भी बिल्कुल धुले हुए मिलेंगे, जस्ट आप लोगों को उन्हें ड्राई करना पड़ेगा। तो ये वाला जो रूटीन है ये मैं बिल्कुल मॉर्निंग में अपना फॉलो करती हूँ। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तब जो उनके कपड़े हैं वॉश करने थे, सॉक्स वगैरह हो गई, या अगर मुझे बेडशीट चेंज करनी है किसी भी रूम की, तो उसी टाइम पे मैं सारे कुशन कवर, पिलो कवर सब हटा देती हूँ और एक बार मशीन चला कर आऊँगी। उसके बाद मैं दूसरा काम जो है वो अपना स्टार्ट करूँगी, ताकि मशीन का जो टाइम है वो प्रॉपर उसे जो चाहिए उतना वो ले पाए और बाकी मैं अपना घर भी इस टाइम पे पूरा मैनेज कर पाऊँ। वॉशिंग मशीन का आप मुझसे रिव्यू पूछ रहे थे, तो अगर अब मुझे इसका रिव्यू देना है तो मैं आप लोगों से बोलूँगी कि काफ़ी अच्छी मशीन है। मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ता है, इवन शर्ट्स हैं, बच्चों के स्कूल के शर्ट्स हैं, हस्बैंड की हैं, बिल्कुल क्लीन निकलती हैं, बस मुझे कपड़े धुले हुए मिलते हैं, सिर्फ ड्राई करने पड़ते हैं। और मैंने यहाँ पे कुछ पाउचेस परचेज करे थे अमेज़ॉन से, जो मैंने आप लोगों को शायद पहले वीडियो में दिखाए थे, उनकी हेल्प से मेरा और भी ज़्यादा जो प्रोसेस है लॉन्ड्री का वो आसान हो जाता है। मैं सारी सॉक्स वगैरह एक पाउच में रख देती हूँ, जैसे बच्चों की बनियान वगैरह रहती हैं उनको मैं एक में रख देती हूँ, तो सुखाने के टाइम पे ये छोटे छोटे कपड़े मुझे मशीन के अंदर से पिक नहीं करने पड़ते हैं। आप सब लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी जब मुझे मशीन को लेना था, आप सब ने मुझे बताया कि टॉप लोड लीजिएगा, उससे बैक में भी दर्द नहीं होगा और बीच में भी आप लोग इसे ओपन कर सकते हैं अगर आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा कपड़े बाद में जो मिलते हैं उन्हें डालना है। इन सारी बातों का मैंने ध्यान रखा, उसके बाद मैंने ये मशीन परचेज़ करी एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। मुझे इसका अगर अमेज़ॉन पे लिंक मिल जाएगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट कीजिएगा एंड फिर आप लोग ट्राई कर सकते हैं। देन उसके बाद बारी आती है, अगर आप लोग अपने किसी भी रूम को क्लीन कर रहे हैं उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे 5 मिनट की क्लीनिंग में मेरा ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा टास्क, तो आप लोग वहाँ पे उसे 10 मिनट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग बेडशीट चेंज कर रहे हैं तो वो 5 मिनट में हो नहीं पाएगी, और अगर थोड़ी सी और एक्स्ट्रा क्लीनिंग है देन यू नीड सम मोर टाइम, तो आप लोग वहाँ पे अपना 15 मिनट 10 मिनट्स अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस टाइम लगा दीजिए। एंड गाने सुनते हुए, भजन सुनते हुए सुबह के जब आप लोग काम करेंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बहुत आप लोग स्ट्रेस फ्री होके अपने घर के काम कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को ऐसा भी फील होता है कि अगर मैं ये काम अभी कर लूँगी, मेरा घर पूरा मैं अभी क्लीन कर लूँगी, पर ये सिर्फ 2 से 4 घंटे रह पाएगा, जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, जब हस्बैंड आ जाएंगे, तो घर मेरा वापस से उसी फेज में चले जाएगा, तो फिर इस बात के लिए मेरा सिंपल सा आंसर रहेगा, तो ये तो हमारा रूटीन है, ये तो हमें करना ही है, अपनी खुशी के लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है। घर साफ रहता है, घर अरेंज रखते हैं हम लोग, तो हमारे जब फैमिली मेंबर्स घर आते हैं तो उन्हें भी वहाँ पे अच्छा लगता है, तो ये आप लोगों का रूटीन है, आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। ये हमारे मतलब कंटिन्यू प्रोसेस है, साइकिल है जो चलती रहेगी, बट इस तरीके से हम लोग अच्छा फील करते हैं, अपने घर के अंदर नए चेंजेस कर पाते हैं और अपनी होम मेकिंग को इंजॉयबल बनाते हैं। स्लीपर्स हम लोग हमेशा अलग रखते हैं, बाथरूम में जाने की मैं स्लीपर्स अलग रखती हूँ और बाहर घर में नॉर्मली पहनने की हमारी स्लीपर्स अलग रहती हैं। अगर आज मुझे अपने बाथरूम को क्लीन करना है तो वॉश बेसिन को अच्छे से क्लीन करने के साथ साथ जो सामने भी टाइल एरिया रहता है मैं उसे भी क्लीन करती हूँ, उसके साथ साथ जो डोर्स लगे हुए हैं बाथरूम में उसको भी मैं क्लीन करती हूँ। मुझे पता है यहाँ पे मेरे सिर्फ 7 से 8 मिनट जाएंगे, पर कम से कम मेरा 1 हफ्ते के अंदर अगर बाथरूम क्लीनिंग का रूटीन था तो वो मैंने कम्प्लीटली पूरा करा।
जब भी हम लोग वॉश बेसिन यूज़ करते हैं तो बहुत सारे पानी के जो हमारे छींटे होते हैं वो सारे सामने की तरफ लग जाते हैं, जिसे हम यूजुअली इग्नोर करते हैं, और उसकी वजह से धीरे धीरे करके हमारा बाथरूम हमें लगता है कि बिल्कुल हम लोग क्लीन नहीं रख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक कपड़ा है जिसे रख लेना है, आपकी डस्टिंग का हो, आपकी क्लीनिंग का हो, उससे आप लोग वॉश बेसिन और सामने वाला टाइल एरिया हमेशा क्लीन रखें। ऑल्सो जो आपके बाथरूम का मिरर है, डोर्स हैं, तो ऐसे अगर आप लोग छोटे छोटे चीज़ों पे 5 से 10 मिनट अपने दिन भर के लगाते हैं, एक रूटीन सेट करते हैं, तो बड़े ही आराम से आप लोगों के घर के सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज के वीडियो का कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्राम आईडी है @mistaketrunk। वीडियो पसंद आई थी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगी वो आप लोगों को पता चलेंगी जब आप लोग बेल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे सब्सक्राइब करने के साथ साथ। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले विद थॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक ट्रंक। टेक केयर एंड बाय बाय। I'm in the spotlight.